17,500 रुपये में अपनी गाड़ी को रॉक्स बना लो फ्रंट साइड से। हमारी जो ब्लैक कलर में बिकती है ना वो भाई, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेड ग्रिल ही है। इम्पोर्टेड ग्रिल में जो ये वाले ग्रिल है जिसमें कान लगे हुए आते, जहाँ गैप नहीं दिखता, पेंट की फिनिशिंग अच्छी होती है, लेफ्ट राइट से देखो इसको कहीं भी लहर नहीं मारती पेंट से, ये वाली पड़ती है भैया 5,000 की रेंज। ये वाली जो तीनों DRL है इसकी रेंज प्राइस रेंज वही 1,700 रुपए की DRL है भैया, इससे कम नहीं हो सकती। वो मैन का ये टाइप 2 वाला बम्पर हमने इसमें इंस्टॉल किया है विद बुलगार्ड के साथ। ये अपना भाई थार रॉक्स वाला डिजाइन और इसको ऑन कर रहे हैं, देखना कितना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। ये भी भैया ब्लू ओके व्हाइट होती है। ये इंडिकेटर इन्होंने यहाँ दे दिया, क्या बात है। ठीक है, ये रनिंग है इंडिकेटर। ठीक है, ये रनिंग इंडिकेटर हो गया। ठीक है, ये होगा आपका ये DRL। ये देखो भाई साइड मिरर का इंडिकेटर भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ये भी बढ़िया लग रहा है। मैट मैक्स ने भी बना दिया है इसी टाइप का। हाँ। इसकी प्राइसिंग कम है भैया, इसकी प्राइसिंग जो होती है 3500। तो यहाँ पर ये वाली टेल लाइट और ये वाला रिफ्लेक्टर सेम भी होता है और ये कटकट वाला डिजाइन है। कटकट वाली जो टेल लाइट है और रिफ्लेक्टर के साथ 4200 कर दिया है। स्टीयरिंग की प्राइसिंग भैया हमने कर दिया है कम, स्टीयरिंग का प्राइस कर दिया कम। स्टीयरिंग जो है अब लगा देंगे भैया 15,500। सॉफ्ट टच कर दिया हमने, थार प्रॉपर एम्बिएंट लगा दिया भैया, एसी वेंट लगा दिया K4 वाला। प्रोमेन नहीं चाहिए, प्रोमेन टाइप चाहिए, तो अब ये भी रेडी हो चुका है भैया। ये वाला जो है ये 4,000 की रेंज का, 4,000 की रेंज का पूरा, ये देख लो पूरा का पूरा टैब है। ये 464 वाला आएगा भैया, जो इसकी प्राइस रेंज होगी वो होगी भैया 22,500। और तीनों आर्मरेस्ट लगा भी है, इसका कवर भी चेंज करा है, पीछे साइडर भी लगा दिया। जो ये महिंद्रा जेन्युइन आर्मरेस्ट चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, 11,800 की रेंज का होता है। एक्स है उसमें जो पार्ट लगते हैं, मैं बता दो, फुटरेस्ट लगता है महिंद्रा जेन्युइन 6,000 रुपए का। ठीक है, स्टीयरिंग लगता है महिंद्रा जेन्युइन, स्टीयरिंग विद कंट्रोल, नया ब्रांड न्यू स्टीयरिंग 6,000 का है। स्पीकर बॉक्स भैया 3200 का है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई मैं फिर से हूं माही कार एक्सेसरीज पर और आज आपके सामने भाई फिर से एक और थार UP15 और मेरे साथ में मनीष भैया, कैसे हो? आज क्या दिखाने वाले भैया? थार दिखाएंगे, हम तो थार ही दिखाते हैं, थार ही दिखाते हैं और आर पार दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भैया, हाँ फ्रंट साइड से बात करते हैं, काफी अच्छा काम होता है गाड़ी के अंदर, तो हमने सोचा ये गाड़ी भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसमें हमने क्या क्या लगा दिया भैया? इसमें हमने मार्क 2 वाला बम्पर लगाया भैया। ठीक है, डबल लेजर वाला प्रोजेक्टर लगाया है। ठीक है, ये अपना जो अजूम टाइप हेडलाइट, अजूम टाइप वाली वो लगाई है, ग्रिल लगाई है एंग्री बर्ड वाली। ये भैया इम्पोर्टेड वाली है या फिर इम्पोर्टेड है ना? हमारी जो ब्लैक कलर में बिकती है ना वो भाई, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेड ग्रिल ही है और काफी बढ़िया ग्रिल भी होती है ना। तो बात करते हैं प्रोमैन का, ये टाइप 2 वाला बम्पर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है विद बुलगार्ड के साथ, है ना। तो यहाँ पर और नीचे जो भैया इसके जो प्लेट इसके साथ ही आता है, साथ में आता है ना, ये सारी चीज इसके साथ ही रहती है सिवाय एक यहाँ का जो क्या बोलते हैं भैया उसको, शैकल। हाँ, ब्लैक वाला शैकल अभी दिखा रहे हैं, अगर पसंद आएगा तो वो लगा देंगे, लेकिन वो अलग आता है। जो चीज इसके साथ आती है वो यही है सब कुछ, है ना। यहाँ पर नंबर प्लेट वाला जो फ्रेम है ये भी इसके साथ में ही आता है, ऊपर भी उठा सकते हो, ये देख रहे हो भाई, ऐसे उठा लो और बाकी वापस से नीचे भी कर सकते हो आप इसको। साथ में नीचे देख लो भाई, यहाँ पर कुछ लगा होगा इसका अंडर, ब्लैक कलर में आता है कि रेड में आता है? ब्लैक ही आता है, हम इसको रेड कर रेड कर देते हैं लुक के लिए, है ना। ठीक है, और क्या क्या लगा भैया इसका? थ्रो कैसे वैसे इस वाली हेडलाइट का? आर पार बढ़िया है ना, थ्रो बढ़िया है इसका। और फॉग लाइट तो हमने यहाँ पे डुअल लेंस वाली डाली दी है, तो कहीं से कहीं तक कोई लाइट की कमी पड़ेगी नहीं। और एक बार अगर बात करें भैया इसके साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भैया क्या क्या चीज हमने लगा दिया? हमने भैया डोर हिंज लगा दिया है। ठीक है, प्रोमेन टाइप वाला, प्रोमेन टाइप वाला। तो ये प्रोमेन टाइप है क्योंकि पहले जो आते थे, और बेसिकली ये एक तरीके से अपना ही है, क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, क्वालिटी बढ़िया है ना। और बात करें ना भाई, देखो ये वाला प्रोमेन का आता भी है, लेकिन पहले जो आता था भैया वो इसमें ना हिलता था, अब नहीं हिलता, अब नहीं हिलता। और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी दिख जाएगी, मैट मैक्स करके कुछ ब्रांडिंग भी है, और ये दिखने में प्रोमेन टाइप है बट ये प्रोमेन का नहीं है, लेकिन इसका प्राइसिंग में जरूर फर्क है। ये 3500 की रेंज, 3500 की रेंज का। और अपना जो प्रोमेन होता भैया वो कितना होता है? वो भैया 7800, मतलब डबल का फर्क है अप्रोक्सीमेट, इवन डबल से भी ज्यादा का फर्क उसमें मिल जाएगा आपको देखने के लिए। साइड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर लगी हुई है भाई एक थार वाली मिरर लाइट, भी आता है, हमने UFO भी लगा दिया प्रोमेन से। ये प्रोमेन वाली है UFO भैया, प्रोमेन में भी UFO आती है और सेम इसी की तरह एक और आ रही है प्रोमेन टाइप, बट ये चलती है ज्यादातर लोगों को यही पसंद आती है क्योंकि लाइट इसकी काफी अच्छी है ना। ठीक है, उसके अलावा भैया ये देखो भाई साइड मिरर का इंडिकेटर भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग, ये भी बढ़िया लग रहा है। इसके बाद की अगर हम बात करें और क्या क्या हुआ भैया? टेल लाइट भी देख लो भाई, इसके अंदर हमने लगाई है एक्स डिजाइन वाली, बोलो या फिर इसको क्या बोलते हैं भैया, जेड बोलेंगे एक्स बोलेंगे? जेड अब बोलने लगे भैया, पहले तो पहले एक्स ही बोलते थे क्योंकि एक्स डिजाइन में ऑलरेडी एक और टेल लाइट आ भी चुकी है और एक दिन कंफ्यूजन भी हो गई थी, मैंने बोल दिया था कि एक्स इसको बोला, उन्होंने समझा एक्स दूसरी वाली है ना, तो प्राइसिंग में कहने का डिफरेंस आ गया था। तो यहाँ पर ये वाली टेल लाइट और ये वाला रिफ्लेक्टर सेम भी होता है और एक कटकट वाला डिजाइन है, इसमें दो डिजाइन आपको मिल जाता है, एक अपना नॉर्मल वाला भी आता है बिना कटकट के साथ में। ठीक है, और क्या क्या भैया इसके अंदर? ये देखो भाई इसमें इंटीरियर भी करा भैया, इंटीरियर हमने समझ लो हाफ इंटीरियर कराया, सॉफ्ट टच कर दिया भैया। ठीक है, कपड़े बेसिकली जो कपड़े से जो काम हो सकता है हमने वो करा है ना,
सॉफ्ट टच कर दिया हमने, थार प्रॉपर एम्बिएंट लगा दिया भैया, एसी वेंट लगा दिया, K4 वाला स्टीयरिंग कवर बना दिया भैया मून डिजाइन में, ठीक है, तीनों आर्मरेस्ट लगा दिया भैया। ये देखो भाई स्टीयरिंग कवर की अगर बात करूँ तो ये भी आपका डुअल टोन में है मून डिजाइन। यहाँ पर आपका जो एसी वेंट है जी वैगन या AMG स्टाइल जो भी आप बोलना चाहते हो वो वाला एसी वेंट लग गया, लेकिन K4 सीरीज है, इसमें अंदर भी लाइट जलती है और बाहर भी लाइट जलती है, और ये आपके चार पीसेस में आता है, ठीक है। इसके अलावा एम्बिएंट लाइट जो वो भैया की आगे आगे लगी है, पीछे डिमांड पे लगती है, अगर किसी की डिमांड लगाई है हमने ओवर करनी होती है तब पीछे लगती है ना, तो वो आप अगर लगाना चाहते हो पीछे तो वो भी मतलब फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जब लगता है और देना भी पड़ता है तो हाँ चार्जेस जो भी रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है। सीट कर भैया कौन सी क्वालिटी हो गई, सही वाला जो हम लोग लगाते हैं भैया, इंटीरियर तो हमारा बहुत फेमस हो गया भैया, लगातार रेगुलर होता है भैया तो रेगुलर भाई ये गाड़ी भी अच्छी रेडी होती है, हमने सोचा आपके यहाँ शेयर करते हैं। ये वाला जो मॉडल अपना 4x4 है, 4x4 और तीनों आर्मरेस्ट लगा भैया, इसका कवर भी चेंज कराया, पीछे साइडर भी लगा दिया, ठीक है। तो ये देख लो भाई आर्मरेस्ट भी चेकआउट कर लो भैया, इसका पियानो ही आता है ये वाला पार्ट, हाँ जी भैया पियानो ग्लास होल्डर वाला, और साथ में देख लो भाई इसका भी कपड़ा चेंज कर दिया और साइड में साइडर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया ताकि लुक जो है वो ऐसी बनी रहे बढ़िया। और साथ में अगर बात करूँ तो इसका रूफ, रूफ की बात करें भैया, रूफिंग में क्या क्या करते हैं भैया, यही वाला सेम भैया, क्या क्या क्वालिटी क्या रहती है फॉर्मिंग वाला है, विदाउट फॉर्मिंग वाला है ना, अपने पास सिर्फ एक ही रूफ होता है फॉर्मिंग वाला, लगातार क्वालिटी, प्राइसिंग का कोई वो नहीं है भाई, प्राइसिंग जो भी हम लेते हैं वो सिर्फ एक जो आपका फॉर्म वाला आता है ना भाई, हम वही इंस्टॉल करके देते हैं आप लोगों को ताकि ये जो रहे ना आपका बढ़िया रहे, कभी आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो सर अगर लगेगा आपका तो बच जरूर जाएगा, वैसे ही लगेगा, अगर नहीं कराओगे तो जरूर आपकी प्लास्टिक में टच होगा तो थोड़ी बहुत इंजरी आ सकती है, बाकी अगर बात करें 90 की मैटिंग भी डाल दी है, 90 ईगल की मैट हो गई है, ठीक है। इधर ये भी तो लगा भी है इसके अंदर सॉफ्ट टच, यहाँ पर ठीक है। और अगर बात करें भाई ये कौन से वाले हैं, ये मैक्स मैट है, मतलब क्वालिटी इसने काफी चीज निकाल दिया बना, काफी चीज निकाल दी और अपनी ब्रांडिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लिख के देते हैं ये, तो मैक्स मैट का ये अपना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, देख लो पहले जो प्रोमैन का आता था ना ये वो वाला टाइप है, हो सकता है टाइप 2 जब भी आएगा वो भी आपको दिखा देंगे, पर प्राइसिंग अगर मैं फिर से इसकी बात करूँ भैया कितनी हो जाती है, प्राइसिंग भी इसकी उससे आधी होती है, 2500 की रेंज के आसपास होती है, ठीक है। और क्या क्या वजह इसके अंदर, मेन मेन काम सारा हो गया, सारी चीजें हो गई है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो भाई देखो वोटर होल्डर में भी लाइट आती है, ये प्रॉपर में सारी चीज में आती है, इनर हैंडल में भी आती है, यहाँ भी आती है, और आपका ये स्ट्रिप भी लगती है, साथ में थार वाली लाइट है ये भी चेंज आती है, ये चेंज होता रहता भैया बार बार, कभी इसमें थार बनी हुई नहीं, ये जो थार लिखा हुआ डिजाइन, कभी इसमें थार बनी हुई आती है, कभी इसके अंदर ऐसा होता है कि थार लिखा हुआ आता है, तो अलग अलग स्टाइल होता है, बाकी एज पर अवेलेबिलिटी जो भी अगर आपको मिलता है तो आप लगवा सकते हो। थ्रो की अगर बात करें तो भैया थ्रो भी देख लेते हैं एक बार कितना है इसका, देखो भाई ये अभी फॉग लाइट है नीचे की साइड में, ठीक है, तो ये कुछ फॉग लाइट है लेकिन सामने गाड़ी है तो ज्यादा थ्रो नहीं दिखेगा, बट अगर मैं बात करूँ ये हेडलाइट होगी, ठीक है, ये देखो भाई तो थ्रो तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है, और रोड पर अगर रोड गीला होता है तो थ्रो हल्का सा कम नजर आता है बट होता पूरा, और ये चीजें लगने के बाद तो थ्रो की कोई बात ही नहीं है। बात कर लेते हैं भाई, सब कुछ कंप्लीट है ना, तो इस गाड़ी के ओनर से एक बार बात कर लेते हैं कि उनको ये सारी चीजें कैसी लगी, मेरी तरफ से गाड़ी कंप्लीट है, और मेरे ख्याल से भैया ये थार पुराना वाला मॉडल है, ओल्ड वाला है ना, जो पहले आता था वाला मॉडल है, काफी टाइम बाद भैया ने इसमें काम कराया बट करवा लिया, क्योंकि लोगो उसके अंदर आप देख रहे हो ये अपना ओल्ड वाला है, तो एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से, उनको ये सारी चीजें कैसे लगी, गाड़ी की मॉडिफिकेशन आपने देख ली, एक बार बात करते हैं इस गाड़ी के ओनर से जो कि थे सर, कैसे हो सर, एक बार सर अपना नाम शेयर कर दो और कहां से आए थे आप, मेरठ से जी, सर कैसा रहा सब कुछ, बहुत बढ़िया रहा है, बढ़िया कंप्लीट, मैंने बस ये कि यूट्यूब पे ये सर्च की थी तो अच्छा। सबसे ज्यादा व्यूअर और जो भी मतलब आपकी सफर बाइक सफर बाइक मतलब सबसे ज्यादा मैंने फॉलोवर और सबसे ज्यादा जो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मतलब सारी बहुत अच्छी वीडियो आपने डाली ठीक है, मतलब सारी चीजें आपको बढ़िया लगी तो आपने सोचा कि अब करोल बाग जाना है, अब तो माई कार पे जाऊंगा और गाड़ी का करा लूंगा काम सारा, मेरठ में भी है पर ये कि नहीं मैं डायरेक्टली माइक कार एक्सेसरीज पे ही आया था, तो मतलब बेसिकली प्राइस की बात करें वही बढ़िया मिल गया, क्वालिटी बढ़िया मिल गई, प्राइस मिले है, क्वालिटी बहुत बेस्ट मिली है, ठीक है, और उससे अच्छा भैया का नेचर बहुत अच्छा लगा, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, भैया की आदत बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद एक चीज और पूछना चाहूंगा भैया आपसे, अब जो नई थार आ रही है 5-door तो क्या कहता है उसमें भी हम लोग कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भाई देखो कंपनी ने उसको वैसे तो कंप्लीट करके दिया है कुछ, बाकी देखो आएगी तो आ गई है, ठीक है, मैंने देखी है, बाकी देखते हैं उसके भी अपना लेंगे तो हम लोग उसे कर देंगे ना उसको भी, जैसे ये वाली गाड़ी रेडी करते हैं पक्का हो जाएगा ना,
तो ये और वो गाड़ी लेके आप लोग जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं क्या कहते हैं तो आ सकते हैं भाई कार पे? नहीं बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे पक्की। मैं भी अपने फ्रेंड्स जो भी आपने सबको बताऊंगा, वो काम देखेंगे गाड़ी पे तो खुद ही पूछेंगे, खुद ही बोलेंगे कहाँ से करवाया ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से आए, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों के पास है कुछ ऐसी थार तो आप लोग भी विजिट कर सकते हो माही कार एसेसरीज पर, जो कि है भाई करोल बाग में, कुछ ये वाला बोर्ड है, ठीक है, आप लोग विजिट कर सकते हो। और साथ में साइड में भी नंबर आ रहा है और वीडियो के साइड में भी नंबर आ रहा है, तो एक बार आप कॉल करके भैया से सारा एस्टिमेट अपने व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी ले सकते हो। और आज आपको दिखाने वाले भाई फिर से वही सारी एसेसरीज, इवन कुछ नए प्रोडक्ट फिर से आज हम आपको दिखाएंगे। कुछ एक डिजाइन भी नए आए हैं, कुछ एक डिजाइन जो पहले वाले चल रहे थे वो है। प्राइसिंग में क्या इंक्रीज हुआ क्या कम हुआ? इंक्रीज तो कुछ होता ही नहीं है, कम ही होगा, कम ही होगा। प्राइसिंग हमेशा भैया बोलता है कम होता है। हाँ जी भैया, हाँ, सबसे पहले बताओ कैसे हो आप? बढ़िया 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 ना। तो अब बात करते हैं भैया, पहले शुरुआत कर दो क्योंकि आज आइटम जो लगे हुए बहुत ज्यादा बढ़िया और एक लाइन से जो है लगा रखे हैं। अब शुरुआत कहाँ से करें भैया? भैया हेडलाइट से ही करते हैं हम लोग शुरू से, तो हेडलाइट से ही करते हैं पहले। ठीक है, तो हेडलाइट से शुरू कर लेते हैं भैया दोबारा। यू शेप वाली हेडलाइट भैया, यू शेप में सबसे पहले बताऊंगा जो सबसे ज्यादा कॉमन बिकने वाली हेडलैम्प है। हाँ जी। वो है यू शेप का ओनली व्हाइट कलर, ओनली व्हाइट जो ओनली व्हाइट कलर यू शेप का है भैया, उसकी जो प्राइसिंग है 9500 है। अच्छा, सबकी प्राइसिंग भी साथ में बताता चलूंगा। ठीक है, 9500 की रेंज में यू शेप व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। अगर यू शेप लेते हो आप ऑरेंज कलर, ठीक है, तो वो पड़ेगा भैया 7000 का। यू शेप ऑरेंज कलर 7000, मतलब व्हाइट और ऑरेंज में इतना फर्क आ गया ना। ये ऑरेंज नहीं बिकता इसलिए इतना फर्क, इतना नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आते। वो किसी पे अगर थ्रो सेम किसी का रखा हुआ है तो फिर बिक जाता है, अदरवाइज वैसे नहीं बिकता। थ्रो सेम है दोनों का? हाँ, सब कुछ सेम है, डीआरएल कलर, डीआरएल रेड और व्हाइट का फर्क है। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जो भाई का 7000 का बजट है वो लगवा लो क्योंकि उसकी रिस्पॉन्स अच्छा है ना। जी जी, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा भी है जो आपका यू शेप में अब आता है रेड डीआरएल, रेड डीआरएल, उसके अलावा येलो इंडिकेटर, ठीक है, रेड डीआरएल येलो इंडिकेटर 11500 रुपए। ओके, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ब्लू डीआरएल येलो इंडिकेटर वो पड़ेगा आपको 10500, उसकी प्राइसिंग कम हुई है, कम होती है, ठीक है। अब आता है इन सब के अलावा व्हाइट डीआरएल और येलो इंडिकेटर, ठीक है, उसकी जो प्राइसिंग है भैया वो शुरू से ही जो प्राइसिंग है वही रहेगी, वो 12500 की रहेगी भैया। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, जो व्हाइट डीआरएल येलो इंडिकेटर 12500 रुपए विद 1 ईयर वारंटी के, ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं भैया माइनस, माइनस हेडलैम्प ले लो या माइनस विद रिंग हेडलैम्प ले लो भैया, ठीक है, दोनों की प्राइसिंग भैया 5200 है, 5200 दोनों की सेम है। जी जी, ठीक है। इसके अलावा भैया आपका ये वाली हेडलाइट है, ये न्यू डिजाइन में आया है, एरो एरो टाइप वाली डिजाइन में, ठीक है। ये वाली हेडलाइट की जो प्राइसिंग है भैया ये 5500 की रेंज में विद 1 ईयर वारंटी, 5500। इसका थ्रो कैसा भैया? थ्रो ठीक है, नॉर्मल हेडलाइट है, नया डिजाइन आया तो कम लोगों को पसंद आता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भैया ओई रेंगलर बोलते हैं इसको, जो रेंगलर में हेडलाइट आती है गाड़ी में, ठीक है, वही सेम डिजाइन इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि पूरा आपको क्रोम के साथ भी ब्लैक मिल जाएगा और फुल ब्लैक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। दोनों की जो प्राइसिंग है भैया वो पड़ेगी आपको 16500 रुपए, 16500। देखो ये हेडलाइट वीलैंड ब्रांड की हेडलाइट है, विद 1 ईयर वारंटी आती है, 16500 की हेडलाइट है, ठीक है। इसकी सेल कम होती है, मतलब कम लोगों को ये पसंद आती है, बट बिक्री है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा यूनिक दे दो, थोड़ा अलग दे दो, तो उनको ये चल जाती है। और थ्रो की बात करें भैया, थ्रो बढ़िया भैया, बढ़िया है, बढ़िया थ्रो है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये वाली जो अपनी रेंगुलर स्टाइल में, जो ये भैया रेंगुलर की समझ लो एक तरीके से कॉपी वाली मिलता जुलता डिजाइन है, ठीक है। ये वाली हेडलाइट पड़ेगी 4500 की, 4500, ठीक है। इंडिकेटर वगैरह सब होते हैं, भी होता है व्हाइट डीआरएल भी होती है, ओके। और ब्लू करके व्हाइट होता है? नहीं, ब्लू से व्हाइट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रैंगलर, रैंगलर ये अपना वही है ब्लू करके जो व्हाइट होता है, ये वाली, हाँ भैया ब्लू होके जो व्हाइट होता है ये वाली हेडलाइट है। और इसकी प्राइसिंग मैंने देखो भैया शुरू में ही बोली थी, अब देखो कहाँ पे आगे रुकी है, 6000 की हेडलाइट है, 6000 की हेडलाइट है भाई। एक टाइम पर इसको हम 16000-14000 ऐसा कुछ लगाया करते थे और अब ये जो है अपनी 6000 रुपए, ठीक है। इसके बाद भैया यहाँ से शुरू कर लेते हैं, एक ये नया डिजाइन दिखा रहा हूँ, ये भी सेम सिमिलर ऐसा मिलता हुआ डिजाइन है ना, दो प्रोजेक्टर से नहीं पता, ये ना हमें कस्टमर ने बताया था भैया, वो मांगते हुए कि भाई हमें ना भैया रॉक्स वाली हेडलाइटें दिखा, रॉक्स वाली। अब ये देखो अगर इसको हटा दो आप तो ये क्या बना, अच्छा जो अपनी नई थार आ रही है उसकी हेडलाइट, ये रॉक्स। तो भाई देख रहे हो आपके लिए डिजाइन जो आ गया रॉक्स वाली डिजाइन के साथ आपको एक हेडलाइट मिल रही है अब, तो इसका प्राइस क्या होगा भैया? इसका प्राइसिंग भैया जो है वो पड़ेगा 17500 की रेंज का, 17500 रुपए में अपनी गाड़ी को रॉक्स बना लो फ्रंट साइड से, है ना। हाँ, थार वाले भाई जितने भी हैं वो थार रॉक्स बना सकते हो अगर आप यारी हेडलाइट लगा, ये डिजाइन अगर पसंद है, पसंद है तो, है ना। थ्रो की बात करें भैया, थ्रो बढ़िया है, बढ़िया इसका 17500 रुपए सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरे को लगता है, यही है नई हेडलाइट आई है किसी बड़े ब्रांड ने लॉन्च किया इसको, तो सही और थ्रो भी आप अच्छा बता रहे हो, ठीक है। उसके बाद भैया अपना ये किंग कॉन्ग भाई, इसकी तो प्राइसिंग हमने 5200 बताई दी थी, किंग कॉन्ग भैया, किंग
कॉन्ग और किंग कॉन्ग प्लस। अब वो ऐसी जगह पे आके रुक गया है, हम जो किंग कॉन्ग प्लस है भैया या किंग कॉन्ग है, किंग कॉन्ग प्लस अगर मांगता है जो, तो उसको 6000 की दे देंगे, और जो किंग कॉन्ग मांगता है तो उसको 5500 की दे देंगे भैया विद 1 ईयर वारंटी के साथ, 6000 और 5500 विद 1 ईयर वारंटी। 10-11 हज़ार रुपए की चीज आपको 6000 रुपए मिल रही है, और जहाँ 8000 रुपए की चीज हुआ करती थी वो आपको 5500 की मिल रही है, तो काफी प्राइसिंग में फर्क आता है, वहाँ पे फर्क आता है। इसमें भाई आपको जिसमें इंडिकेटर मिलता है ना उसमें ब्लू होके व्हाइट भी होता है, इसका जो DRL है जो अपना इंडिकेटर वाली है, नॉर्मल जो होके व्हाइट होगा वेलकमिंग पे अपना ब्लू होगा, फिर उसके बाद ये व्हाइट हो जाएगा, इसके अलावा इसमें येलो इंडिकेटर भी होगा, ठीक है। उसका थ्रो इनका ठीक है, थ्रो भी चलता है, मतलब नॉर्मल थ्रो है, बहुत हाई पावर नहीं बोल सकते, हाई पावर कोई सी भी नहीं है, अगर हम अपनी हेडलाइट में बल्ब लगाते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल, जो कंपनी से OEM हेडलाइट आती है उसमें सिर्फ LED सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट फिर थार की लुक नहीं आएगी ना भैया, ठीक है। इसके अलावा भी मैं एक न्यू डिजाइन दिखाना चाहता हूँ हेडलाइट में, जो हमने Porsche V1 दिखाया, V2 दिखाया, ठीक है। V1 हमने दिखाया था 14500 का, V2 हमने दिखाया 19500 का, ठीक है। अब ये वाली जो हेडलाइट आ गई है ये सेम उसी कंपनी ने बनाया जिस कंपनी की हमारी Porsche आती थी, ठीक है, ठीक है। न्यू डिजाइन आया है, पूरा गोल्ड रिंग हो गया, वेलकम फीचर भी है इसमें, ये ब्लू होके व्हाइट भी होगी, इसमें इंडिकेटर का भी फंक्शन आ गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसकी प्राइस रेंज है भैया ये है 15500, 14500 की हमारी आती थी ओनली व्हाइट वाली, 19500 की आती थी इंडिकेटर वाली। अब ये वाला जो डिजाइन उसी कंपनी ने, वही डब्बा है, उसी फैक्ट्री का माल है, 2 साल की वारंटी है ये इसकी, डब्बे पे इसमें 2 ईयर वारंटी लिखा रहेगा। ये वाली हेडलाइट की कॉस्टिंग आई भैया 15500 रुपए, 15500 मतलब लमसम वही है प्राइसिंग में, पर एक लुक थोड़ा सा अलग हो गया, लुक अलग है थोड़ा, डिजाइन उसमें 4 कट आते थे, इसमें कोई कट नहीं, इसमें रिंग बना दिया, सही बात है। साथ में रिंग के साथ आपको ब्लू होके व्हाइट भी मिल रहा है, ऑप्शन वो भी मिल रहा है आपको, इंडिकेटर, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है भाई, अच्छा भी है, थोड़ा भी अच्छा, हाई क्लास की हाई क्वालिटी की है, क्या बात है भाई। सिर्फ 15500 मिल रही है आपको ये वाली हेडलाइट, बहुत बढ़िया। इसके बाद भैया अजूम टाइप वाली जो अपनी रखी है लास्ट वाली हेडलाइट है भैया, इसमें बताऊंगा इसमें क्या है कि देखो पहले हमारे एक ही इम्पोर्टर लाए थे ये वाली हेडलाइट, इसमें ओनली व्हाइट था, फिर इंडिकेटर के साथ ये जलता था, अब जो इसका फीचर आ गया ब्लू होगी, फिर उसके बाद ये व्हाइट होगी। मैंने अभी दो चार हेडलाइट इसमें से हम जला के भी चेक करा देंगे आज वाली वीडियो में, क्या होगा ये ब्लू होने के बाद व्हाइट होती है, ठीक है। इसका थ्रो भी बढ़िया होता है, DRL भी अच्छी है, बट इसकी प्राइस रेंज ऐसी है ना भैया, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि आप मेरे से कॉम्बो लो, कि मतलब इसके साथ दूसरी चीज भी लगानी ही पड़ेगी, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, आपको ये हेडलाइट चाहिए 7500 की मिलेगी 1 साल की गारंटी के साथ, 1 साल की गारंटी, ब्लू होगी उसके बाद व्हाइट हो जाएगी और इसमें इंडिकेटर भी जलेगा। चाहे तो हम इसके साथ कॉम्बो बनाना चाहे तो कुछ नहीं होता, दो आइटम को जोड़ के उनके पैसे जोड़कर बना दिए तो वो कॉम्बो लगा लो भैया, सेपरेट दोनों चीजें अलग अलग करके मिला लेना, प्राइसिंग कमी होगी, प्राइसिंग कमी होगी, सही बात है। 7500 की रेंज की भैया उठाते हैं बल्क में माल, और इतनी सारी हेडलाइटें उठाते हैं कि इनको जो प्राइस पड़ता है वो कम पड़ता है। ये लाइटें आपको जला जला के भी चेक करा देता हूं, 2-3 जो नए मॉडल आए हैं ना वो जो हमने वीडियोस में नहीं डाले हैं उसको हम जला के भी चेक करा। और सबसे बड़ी बात भाई, जितनी हेडलाइट्स हम रखते हैं सिमिलर यही हेडलाइट्स आपको अदर शॉप पे देखने को मिल जाएगी, कम से कम 2-3 डिजाइन में नई हेडलाइट लेके आता हूं और हम कस्टमर को दिखाते हैं, और वो वायरल भी होते हैं, और इनमें से वायरल भी होंगे। लोगों को आपको जो मर्जी हेडलाइट पसंद आती हो ना, तो हमारी वीडियोस में यू शेप हेडलाइट आपको ज्यादा दिखेगी, क्योंकि पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि भाई 2-2.5 साल से वही हेडलाइट चल रही है भैया, इतनी डिजाइन आ गई वो भी तो लगाओ ना, सही बात, गाड़ी की लुक जो सेम देख के क्या फायदा कुछ। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं भैया, हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई आपको कुछ नया डिजाइन दिखाएं और आप आए उनमें से कुछ लगाओ, गाड़ी का अलग लुक बनाओ, अलग बनाओ और उससे कुछ अलग बनाओ, सेम बनानी है तो फिर तो वैसे ही देख ही रहे ना, फिर क्या फायदा। और इनमें से कितनी सारी हेडलाइट आज आपको दिखा दी जो ब्लू होकर व्हाइट हो रही है, तो ये एक अच्छी चॉइस भी है ना, और ये अच्छी लगती है। हमने ये रॉक्स डिजाइन वाली हेडलाइट भी दिखा दी है, सही बात। अब इसको हम जला के भी दिखा देंगे, जला के भी दिखाएंगे इसको हम, ठीक है। ये होगी अपनी सारी हेडलाइट्स। हाँ, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी हेडलाइट्स हैं जो हम पिछली वीडियोस में दिखा चुके हैं, किसी को उनमें से कुछ और भी पसंद आ रहा हो, ड्रैगन हेडलैम्प नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। इसके अलावा जो इसका किंग कॉन्ग प्लस जो 4 डॉट्स वाली आई थी वो भी नहीं दिखाई मैंने, कम से कम मेरा 5-6 तरीके की हेडलाइट है और है, और दिखती नहीं है तो फिर उसको दिखाने का फायदा। इसके अलावा भी ऐसी ऐसी हेडलाइट है जो उल्ट बीच में आई थी, लेकिन वही है कि वीडियो में किसी भाई को अगर पसंद आ गई हो तो दिखा सकते हो आप, मिल जाएगी वो, जब जैसे फोटो दिखाते हैं कि भैया मेरे को ये चाहिए, यही तो चाहिए। हम कहते हैं अभी हम मिल जाएगी, ये वाली है मेरे पास पड़ी होती है, सही बात, सारी अवेलेबल है, बट वो ये कि जो ट्रेंडिंग में चलने वाली और जो नए पीसेस आ रहे हैं, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो में कुछ नया होता है, इस बार थोड़ी सी वीडियो लेट जरूर हुई है बट नया तो है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया, ये अपनी हेडलाइट्स और यहाँ पर है सारी की सारी टेल लाइट्स। हेडलाइट सर मुझे पहले ना DRL दिखा दो, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया DRL क्लियर ले लो, ठीक है, स्मोक ले लो, ये स्मोक ले लो, कोई सा भी डिजाइन ले लो, ठीक है। इसके अलावा वो डबल आई वाला भी आता है, वो हम लोग नहीं दिखाते, वीडियो में लगाते भी कम, जो Porsche जैसा थोड़ा थोड़ा जैसे 2500 की रेंज की होती है वो कम बिकती है, दिखाने दिखाते, और वो थोड़ा सा शायद भैया चलता ठीक है, वो भैया अजीब सा लगता है देखने में, देखने अजीब लगता है, ठीक है। देखो ये वाली जो तीनों DRL है इसकी रेंज प्राइस रेंज वही 1700 रुपए की DRL है, इससे कम नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत बेस्ट प्राइस दिया है, 3500 रुपए की चीज आपको 1700 मिल रही है इसकी रेट में है ना, DRL है भैया, ठीक है। रिफ्लेक्टर प्लस टेल लाइट, देखो कटकट वाली जो टेल लाइट है और रिफ्लेक्टर के साथ 4200 कर दिया है भैया,
प्लेन वाली टेल लाइट ये वाली देखो, ये वाली टेल लाइट, ये वाला रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर मेरे पास स्मोक भी अवेलेबल है, सेम प्राइस में ले लो, स्मोक ले लो या रेड ले लो, ठीक है, प्लेन टेल लाइट, स्मोक अपना रिफ्लेक्टर या फिर ये रेड रिफ्लेक्टर, ठीक है, 4000 की ये पड़ेगी, 4200 रुपए की ये पड़ेगी कटकट वाली, 4200 की, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ भैया आपको न्यू डिजाइन वाली टेल लाइट, ये देखो ये जो रखा एरो वाला ये नया डिजाइन आई, हमने अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था। ये वाली टेल लाइट की प्राइस रेंज जो है भैया, अभी जो इसकी प्राइस रेंज है थोड़ी ज्यादा, क्योंकि अभी एक ही इम्पोर्टर की आई हुई है, इसलिए इसकी प्राइस रेंज अभी ज्यादा, इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली भैया 4800 की होती है विदाउट रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर अलग आएगा, ठीक है। ये वाली टेल लाइट ले लो, रेड ले लो, रेड क्लियर जो होती है, या फिर स्मोक ले लो, ठीक है, इनकी दोनों की जो प्राइसिंग है भैया वो वही पड़ेगी आपको 4500 की विद रिफ्लेक्टर, ये वाली टेल लाइट या ये वाली टेल लाइट, सब में ऑफर दे दिया आज ना, 4500 के साथ रिफ्लेक्टर। या अगर आप कहते हो कि मेरे को रिफ्लेक्टर नहीं लेना, 750 रुपए रिफ्लेक्टर के लेस कर लो कोई सी भी टेल लाइट लेके, बहुत बढ़िया। आप देख लो जितना प्राइस बताया 750 लेस कर लेना। एक्स वाली टेल लाइट है भैया, ये एक्स वाली टेल लाइट की प्राइस रेंज है भैया 5500 रुपए ये विद रिफ्लेक्टर है सिर्फ, रिफ्लेक्टर नहीं। और मैं भैया देखो, मैं जो भी टेल लाइट दिखा रहा हूँ, मैं इसमें किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो टेल लाइट है वो हम लगाते हैं, जो भी उसकी सुनवाई होती है वो हमसे ही होती है। सही बात है, इसका जो भी आपको वारंटी मिलेगी वो यही मिलेगी, है ना, कोई दिक्कत। टेल लाइट की अगर वारंटी आती नहीं है, बट वैसे भी अगर किसी की 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, अगर 1 महीने 1.5 महीने खराब होती है तो हम रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी ये तो मैंने बताई दिया प्राइस, ये स्मोक हो गया वो क्लियर वाली होगी, इसके अलावा ये स्टाइलिंग वाली टेल लाइट जो शुरू से ही आती है, इसकी प्राइस रेंगलर की सबसे पहली टेल लाइट, ठीक है, स्टाइलिंग वाली टेल लाइट बोलते हैं, ये 6000 की रेंज की होती है, 6000 जी भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये होगी हेडलाइट और टेल लाइट दोनों की दोनों हो गई है, जिसमें रिफ्लेक्टर नहीं बताया गया भाई उसके साथ रिफ्लेक्टर नहीं मिलेगा, उसके साथ 750 ऐड कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हमारे Q8 प्रो वाला प्रोजेक्टर हो गया, डबल लेजर प्रोजेक्टर हो गया, ट्राई कलर नहीं रखा हमने, ट्राई कलर प्रोजेक्टर हो गया, नॉर्मल सिंगल IPH का प्रोजेक्टर हो गया, वो सारे की जो प्राइस रेंज होती है इनकी, अगर अपना ट्राई कलर लेते हो भैया 5500 की रेंज का होता है, सिंगल कलर लेते हो 5000 की रेंज का होता है, Q8 प्रो लेते हो भैया 7000 की रेंज का भी है, 6500 की रेंज का भी है, इसमें अगर डबल लेजर लेते हो तो वो पड़ेगा 7500 की रेंज का भी है, जैसे हाइपर ड्राइव वगैरह वाले वो 8000 की रेंज के होते हैं, दूसरे ब्रांड है वो 7500 का होता है, FX जो लेते हो FX डबल लेजर AES का जो आता है वो भी 7500 की रेंज का होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो हमने रखे हुए हैं वो कुछ ये तीन प्रोजेक्टर रखे हुए हैं भाई, ये डबल लेजर वाला हो गया, ये अपना हो गया Q8 Pro, और एक ये वाला कौन सा भैया, वारंटी होती है, मॉन्स्टर विजन वाला, अच्छा मॉन्स्टर विजन का थ्रो, इन सबके बढ़िया है थ्रो भी है, डबल लेजर का भी अच्छा और Q8 प्रो का, Q8 प्रो का अच्छा, ठीक है। इनका थ्रो तो भाई शुरू से ही अच्छा और अच्छा लॉन्ग टर्म तक भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर, ना, ठीक है। इसके बाद भैया हम लोग आ जाते हैं AC वेंट पे, AC वेंट की जो प्राइसिंग है भैया, K3 की प्राइसिंग हमने कर दी है अभी आपको 5000 रुपए, K3 5000 की है भैया, और K4 जो है वो 6000 की रेंज की है, विद 1 ईयर वारंटी, कार्डी ब्रांड की है, ठीक है। 5000 और 6000, ठीक है, ठीक है। K3 अगर लेते हो तो 5000 की है, K4 लेते हो तो 6000 की रेंज की होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो ये दो आपको दिख ही रहे हैं सामने, लेकिन इसमें एक K3 होता है, एक K4 होता है, एक में अंदर लाइट होती है, एक में दोनों तरफ अंदर और बाहर दोनों तरफ लाइट चलती है, तो एक 5000 हो गया अपना और एक 10000 हो गया। इसके अलावा भैया देखो 5000 और 6000, इसके अलावा देखो प्रोमैन के ग्रैब हैंडल है, ये दूसरे ब्रांड के ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल इस वाले डिजाइन में और मतलब अलग ब्रांड ने भी बना दिया, वहाँ पे प्राइसिंग का फर्क बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसका प्राइसिंग जब आप शॉप पे आओगे तो मैं दे दूंगा आपको। वैसे प्रोमैन की जो प्राइसिंग है वो होती है भैया 6800 प्रोमैन की होती है, ये दूसरे वाली जो होती है ये भैया 2500 की रेंज का होता है, इसमें रेड कलर भी आता है, ब्लैक कलर भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोमैन आपको पहले कलर देता था वो अदर्स ब्रांड के अंदर भी कुछ ऐसे आ गए हैं, आ गए, आप शॉप पे आगे हम आपको वीडियो में नहीं दिखाएंगे, बट शॉप पे आगे आप चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन प्रोमैन तो भाई टॉप एंड है ही, अगर आपका मन है, पैसे की कोई दिक्कत परेशानी कहीं से कहीं तक नहीं है और आपका मन है कि लगाना है तो प्रोमैन लगा लो, तो फिर वही लगाते हैं प्रोमैन ही लगाते हैं। इसके अलावा मैं आपको UFO दिखा देता हूँ, सस्ती वाली UFO लेते हो तो 1200-1300 की रेंज का आ जाता है, इस पे कोई वारंटी नहीं आती, अगर कोई वारंटी भी देगा इस पे तो 1500 भी देगा, 1 साल की वारंटी दे सकता है, अदरवाइज कोई मतलब कम बिकता है, बहुत कम बिकता है भैया। अब इसमें दोनों ऑप्शन है हमारे पास, UFO प्रोमैन की लेनी है तो आप प्रोमैन की ले सकते हो भैया, प्रोमैन की जो UFO है इसका प्राइस जो अभी 6500 की रेंज का होता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोमैन नहीं चाहिए, प्रोमैन टाइप चाहिए, तो अब ये भी रेडी हो चुका है भैया, ये वाला जो है ये 4000 की रेंज का होता है, 4000 की रेंज का होता है, ठीक है। इनकी भैया वारंटी होती है दोनों की, हाँ दोनों पे एक साल की वारंटी, एक साल की वारंटी इनकी है, ठीक है। अब हम इसमें दिखा देते हैं भैया, देखो ये वाला जो है हमारा डोर हिंज हो गया आपका, इसका प्रोमैन का, प्रोमैन का जो डोर हिंज है ये साइड में प्रोमैन ब्रांड लिखा है, ये वाली जो इसमें चाहे ब्लैक लो, मतलब ब्लैक लो या रेड कलर लो या ग्रे कलर लो, इसकी जो प्राइसिंग आएगी भैया वो 7800 की आएगी। मैं प्रोमैन के प्राइसिंग फिर भी बता देता हूँ, वो मना करते हैं बताने के लिए प्राइसिंग, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, जो हो सकेगा बाकी बेस्ट प्राइस कर देंगे भैया। इसके अलावा जो है इसमें भैया मैटमैक्स ने भी बना दिया है,
इसी टाइप का हाँ। इसकी प्राइसिंग कम है भैया, इसकी प्राइसिंग जो होती है 3500 होती है। 3500 अप्रोक्स हाफ का फर्क आ गया अप्रोक्स। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल डोर हिंजेस पे मैं ज्यादा क्वालिटी नहीं दिखाऊंगा, बेसिक ही होता है, 1000 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक का मॉडल होता है। इसमें भी हमारे एक डुअल व्हील चले जिसमें महिंद्रा का लोगो बना हुआ आता है, वो मैग्नेट वाला, वो अभी हाँ। खत्म हो गया, ज्यादा वही बिका है, वो 1800 का होता है, उसमें मैग्नेट लगा होता है, वो हमने अभी वीडियो में दिखाया भी। ठीक है, उसके बाद भैया और क्या क्या? इसके अलावा भैया स्पॉट लाइट है भैया, सारी 4000, 4500 की रेंज की होती है। अब तो ठंड आ रही है तो बहुत सारे लोग इसको लगवाने वाले हैं ना। ये जो हमारी सबसे फेमस वाली है ये लगती है, जिसको लेजर चाहिए वो ये लगा सकता है, जिसको चार स्पॉटलाइट चाहिए ये आ जाता है, तीन वाले चाहिए तीन वाले आते हैं, और इसमें दो चार डिजाइन भी आते हैं जो बाइक वाले डिजाइन होते हैं वो हम लोग नहीं बेचते। सही बात है, गाड़ियों वाले हिसाब के ले लो भाई, बाइक वाले हाइपर ड्राइव ब्रांड की आती है, अगर ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, इसका थ्रो भी अच्छा होगा, हाइपर ड्राइव की लुक अच्छी है, अच्छी TRL जो है वो बढ़िया लगती है। ये वाली जो है भैया ये पड़ती है अपना तकरीबन 6500 की, इस वाले के साथ हम कुछ वो वाली हेडलाइट लगा सकते हैं भैया ना, वो लगा सकते हैं, हेडलाइट लोगों को कम पसंद है। हाँ, लेकिन ये चीज अगर बताऊँ तो देखो ना, उसके जिस तरह के DRL दिए हुए हैं सेम इसके भी ऐसे ही है ना, तो अगर आप चाहो तो साथ में आप कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करके लगा सकते हो, दोनों चाहो तो बढ़िया रहेगा, कॉम्बो हो जाएगा। उसके अलावा भैया स्टेरिंग दिखा देते हैं। हाँ, ठीक है ना, एसी वेंट वगैरह तो हमने दिखाई दिया, स्टेरिंग की प्राइसिंग भैया हमने कर दिया है कम, स्टेरिंग का प्राइस कर दिया कम, स्टेरिंग जो है अब लगा देंगे भैया 15500 का। लेकिन भैया एक चीज मैं बोल देता हूँ, मैं गाड़ी में लगा हुआ स्टेरिंग अब नहीं लूंगा रिटर्न, क्योंकि ना भैया देखो मैंने वो बोल दिया था, स्टेरिंग जितने भी मतलब भैया आए, किसी का स्टेरिंग खराब होता है, किसी पे कवर चढ़ा होता है, न्यू कंडीशन किसी का होता नहीं, अब हमने ये सोचा था कि उनका लेके जो बेस मॉडल वाले आएंगे उनकी गाड़ी में लगा देंगे, बट किसी की कंडीशन ही ठीक नहीं होती है, और जो ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आ रहा है बिल्कुल वो नहीं, जो ब्रांड न्यू अगर शोरूम से आगे सीधा दुकान में खड़ी है तो देख लूंगा, अगर जो एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि देखो पहले ही 18500 का था, जहाँ प्राइस कम हो सकता था हमने खुद ही 3000 रुपए कम हो गए, वैसे भी हम उसके 3000 लेस करते थे, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसी को कर दिया, ये 15500 की रेंज में पड़ जाएगा, और ये इम्पोर्टेड वाला है भैया, ये पहले वाला नहीं है, वही है जो हमने पीछे 3-4 वीडियोस में दिखाया हुआ इम्पोर्टेड वाला स्टीयरिंग है, तो ये अपना मस्कुलर वाला बेसिकली बोलते हैं ना, वो वाला स्टीयरिंग है अपना डीकेट वाला, काफी अच्छा भी लगता है, और उसके जो कंट्रोल्स वगैरह है वो सारे कंट्रोल इसमें गाड़ी का OEM ही लग जाता है, एयरबैग भी गाड़ी का OEM ही लग जाए। ठीक है, और इसमें कहीं भी कहीं से कहीं तक एयरबैग में कोई इशू नहीं आना, स्टीयरिंग में कोई इशू नहीं आना, ये बेसिकली एक ओरिजिनल पार्ट ही है, बट ये आफ्टर मार्केट में डिजाइन हो रखा है तो काफी अच्छा लगता है, जब आप गाड़ी पकड़ के इसको चलाओगे ना बहुत अच्छा फील आता है ना। ठीक है, इसके बाद भैया इसके अलावा भी है, हम लोग हेड यूनिट दिखा देते हैं, जो अपने बेस मॉडल वाले भाई हैं या जो भी चेंज कराना चाहते हैं लगाते हैं, तो हमारे पास सारे मॉडल अवेलेबल होते हैं भैया है। ये 12.33 भी है भैया हाँ। ये इसके अलावा 10.33 भी है। ठीक है, इसमें ये 232 होता है, ये भी 232 होता है भैया। अगर डायमंड में जाना है तो डायमंड में भी ऑप्शन आ गया, अगर आपको चाहिए डायमंड में डबल नॉब लिखा हुआ, लार्ज नॉब डबल नॉब कुछ भी मतलब आता है लिखा हुआ, ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है हमारा ऑक्टा कोर वाला जो है ये भी मॉडल अवेलेबल है। ये वाला जो मॉडल है भैया ऑक्टा कोर 464 360 सपोर्ट सिम सपोर्ट, मतलब डायमंड का सबसे टॉप जो वर्जन है, ये 16500 की रेंज का होता है। 16500 अगर ये जाते हो लार्ज नॉम में तो ये पड़ता है 13500 की। ऐसा डिफरेंस क्यों है दोनों के अंदर भैया? ये आता ही वो ना ओरिजिनल 464 है, ये फ्लैश करता है, ये मतलब प्रॉपर नहीं होता ये मार्केट के अंदर, अब चल रहा है बहुत ज्यादा। 464 बढ़िया होता नहीं है 464, ये दिखने में देखो भाई सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, ये देखो बिल्कुल सेम है, वही साइज है, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये देखो कहीं से कहीं तक कोई ब्रांड नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको, और शायद प्रोसेसर में भी कहीं ना कहीं फर्क प्रोसेसर का फर्क होता है ना, सिम सपोर्ट है ना, सिम जिसमें आएगा वो वैसे सबसे टॉप ब्रांड सबसे टॉप ब्रांड होता है, तो सिम जो आएगी उसमें सिम नहीं है, इसमें सिम है। ठीक है, तो भाई देख लो काफी ज्यादा फर्क आते हैं इसके अंदर, ऐसी आंख बंद करके मत लगवाओ। इसके अलावा भैया ये वाली जो प्राइसिंग है भैया ये 13500 की होती है 10.33 की, ये 12.33 की प्राइसिंग जो होती है भैया 17500 सब में 360 सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है मेरे को ये वाला भाई, इसकी स्क्रीन भी बढ़िया है और दिखने में बिल्कुल थार का जो OEM प्लेयर आता है, जो जैसे ज्यादा मॉडिफिकेशन कराते हैं तो उनको फिर वो 13 इंच वाला 13.1 ये वाला, तो भाई ये तो टैब है पूरा, इसको देख लो पूरा का पूरा टैब है। ये 464 वाला आएगा भैया, जो इसकी प्राइस रेंज होगी वो होगी भैया 22500 13 इंच का होता ना, ये 13.1 होता 13.1 ये 22500 22500 का होता है, और चीज देखो भाई इतनी ज्यादा बढ़िया रहती है, देख रहे हो क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी, और लगी हुई एक अलग ही चीज नजर आती है आप लोगों को ना, काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा भैया पिलर पोर्ट आते हैं, पिलर पोर्ट भैया बहुत सारे ब्रांड के हैं, तो इसमें कोई हम ब्रांड नहीं बोल सकते, अब तो बहुत से लोग ले आए हैं पिलर पोर्ट, वैसे अगर चाहिए भैया तो आपको 7500 से 8000 की रेंज का आ जाता है, 7500 से 8000 की रेंज का आता है, लेकिन पहले हम जो लगाते थे मैक्सलिंग का हुआ करता था, भी कई बार मैक्सलिंग होता है, कई बार कोई ब्रांड होता है, कई बार कोई ब्रांड होता है, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो जो भी होगा बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी वारंटी आती है भैया, वारंटी 1 ईयर आती है ना, तो वारंटी के साथ कोई भी चीज ले लो आग बंद करके, हमारा खुद का ब्रांड होगा वो भी ले लो, तो चेंज यहीं से होना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आर्मरेस्ट की बात कर लेते हैं, आर्मरेस्ट जो है एक तो हम हत्थी लगाते हैं सीट में, वो तो लगाते ही जो स्कॉर्पियो वाली स्कॉर्पियो वाली हत्थी आती है, इसके अलावा भैया
जो ये महिंद्रा जेन्युइन आर्मरेस्ट है तो ये भी मिल जाएगा 11,800 की रेंज का होता है। ये फ्रंट आर्मरेस्ट हो गया महिंद्रा जेन्युइन, 3500 की रेंज का होता है। फ्रंट लाइट भी हो जाएगा, महिंद्रा जेन्युइन है भाई। इसमें अंदर तक गैप होता नहीं, ये अंदर में यहाँ पे होता है, फिट होने के बाद यहाँ पे प्लास्टिक लग जाता है, इसके साथ ही डब्बे में प्लास्टिक आता है। ओके ठीक है। इसके अलावा भैया मैंने आर्मरेस्ट नॉर्मल वाला नहीं रखा है, ये प्रीमियम प्लस वाला आर्मरेस्ट है, ये वाला 6200 की रेंज का आर्मरेस्ट है। आने को तो आर्मरेस्ट भैया कितने तरीके हमारे पास, इससे छोटे वाला साइज जो हम शुरू से दिखाते हैं वीडियो, वो 4500 की रेंज का। टोटल कितने आर्मरेस्ट होते हैं अपने पास, एक महिंद्रा हो गया, एक प्रीमियम प्लस हो गया, ये हो गया, एक छोटे वाला हो गया, एक नया डिजाइन भी आ रहा है वो आजकल में आ रहा है, और एक भैया उसका आता था बिमरा का, वो महंगा है भैया, कम बिकता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सा है ना, आगे से काफी बड़ा है, वो अजीब भी है, वो कम बिकता है। ठीक है, तो बाकी आप भाई सबसे अच्छा जो लगता है ना प्रीमियम जो लगता है वो ये वाला लगता है ना, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, बढ़िया है ना। तो ये तो भाई सारी चीजें कंप्लीट है। भैया ग्रिल की बात नहीं करी बहुत देर से हमने, हाँ, ग्रिल दिखा देते हैं। ठीक है, ग्रिल बता देते हैं एक बार आप लोगों को। देखो जो अभी सबसे ज्यादा बिक रही है जिसको हम इम्पोर्टेड ग्रिल कहते हैं वो ये वाली ग्रिल है, इम्पोर्टेड वाली। ठीक है। इम्पोर्टेड ग्रिल में जो ये वाली ग्रिल है जिसमें कान लगे हुए आते, जहाँ गैप नहीं दिखता, पेंट की फिनिशिंग अच्छी होती है, लेफ्ट राइट से देखो इसको कहीं भी लहर नहीं मारती पेंट से, ये वाली पड़ती है भैया 5000 की रेंज की। इसकी प्राइसिंग सेम है क्योंकि इसकी प्राइसिंग हमने पहले ऑलरेडी बेस्ट प्राइस डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा भैया ये देखो, ये रेंगलर 2024 ठीक है, हाँ 2024 वाली रेंगलर डिजाइन है, ये 4500 की रेंज का है भैया। ठीक है, ठीक है। इसमें डुअल शेड वाला भी आता है, जो हमारा व्हाइट कलर होता है या ग्रे कलर होता है उसमें 500 का फर्क आता है भैया, वो 5000 की रेंज डुअल शेड वाला। हाँ जी, डुअल शेड जो आता है। और ये बुलहोन की ग्रिल है भैया, इसमें कर्व भी आता है, ये भी ग्रिल बढ़िया चलती है, अगर जैसे लोगों को पसंद आती है तो ये भी लगा सकते हैं, ये भी 5000 की रेंज की ग्रिल होती है भैया। ठीक है, ठीक है। अगर आप बेसिक ग्रिल पे जाओगे तो वो देखो जिसमें ये रेड कलर की लिप लगी हुई आ रही है ग्रिल में भैया, ये वाली ग्रिल जो है 4000 की रेंज की होती है, चाहे आप इसमें लिप लगाओ या ना लगाओ, ये 4000 की मर्जी, मतलब वो रेड वाला जो सिस्टम इसमें वो हट जाता है, वो हट चिपका हुआ है, 200 रुपए का आता है, ऊपर से चिपका हुआ है, तो लगाओ मत लगाओ, लेकिन प्राइस जो है उसका एक ही है, वो आप बोलोगे 200 रुपए कम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस की तो कोई बात ही नहीं है, सबको पता शॉप पे आने के बाद बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन ये है कि जितने भी भाई आजकल आज तक आए हैं वो यही बोला कि भाई जितना बताया था उससे भी कम ही लग गए। हाँ, प्राइस रेंज बेस्ट ही देते हैं। ठीक है, उसके बाद भैया इसके भैया एंग्री बर्ड ग्रिल, ये तो देखो समझ लो अफीम है इस टाइम की, भैया सबसे ज्यादा ग्रिल बिकते हैं, हम लोग तो ज्यादातर यही लगाते हैं क्योंकि भैया जो हम प्रोमैन वाला बम्पर लगाते हैं या फिर अपना रेंगलर वाला इम्पोर्टेड वाला बम्पर लगा, उसके साथ ये बहुत सुंदर लगता है। और एक टाइम पर ऐसा था कि भैया को ये ग्रिल पसंद नहीं थी, जिस टाइम शुरू में आया करती थी, शुरू में कम चली थी, लेकिन जब वीडियो जब इम्पोर्टेड नहीं थी, लेकिन इम्पोर्टेड नहीं थी उस टाइम, फाइबर की पेंट की फिनिशिंग देख लो ना भैया, जैसे गाड़ी चमक मारती है नई गाड़ी वैसे ऐसे ही, ये जो अपनी ग्रिल में चार लाइट आती है, 5500 की रेंज की ग्रिल होती है, क्योंकि ये महंगी ग्रिल जो इंपोर्टर जो है, जो एक ही इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है इसको, वो पीछे से उन्होंने रेट बढ़ा रखा है, नहीं तो दोनों की प्राइस रेंज सेम होनी चाहिए, तो ये 4500 की रेंज है, ये 45 है। हाँ जी, ठीक है। ये इसमें आपको जो है 4x2 वाली ग्रिल भी मिल जाती है, जो चौड़े स्लॉट वाली होती है, वो अब कम लोगों को पसंद आती है, और ये भी मिल जाती है, दोनों 4500 की, ये 4x2 में लग जाएगी। हाँ, ये लग जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें स्मैश है ना भैया, ज्यादा उसमें है ना एयर, जो हवा के लिए एयर इंटेक, मतलब एयर इंटेक प्रॉपर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें OEM पार्ट भैया, जो बेस मॉडल AX वेरिएंट जो अपना, देखो बेस मॉडल AX है, उसमें जो पार्ट लगते हैं मैं बता दो, फुटरेस्ट लगता है, ठीक है, महिंद्रा जेन्युइन 6000 रुपए का, ठीक है, स्टीयरिंग लगता है महिंद्रा जेन्युइन, स्टीयरिंग विद कंट्रोल, नया ब्रांड न्यू स्टीयरिंग 6000 का है, एंटीना स्पीकर बॉक्स भैया 3200 का है, और मैं अभी विदाउट स्पीकर, विदाउट स्पीकर होता है, और मेरे पास इसके महिंद्रा के जेन्युइन स्पीकर भी आ चुके हैं। ओके, मैंने जेन्युइन स्पीकर भी मंगा लिया, मतलब किसी भाई को अगर आफ्टर मार्केट नहीं लगवाना तो जेन्युइन लगवा लो। भैया कहते हैं ना, मैं बता दूं, अगर उन्होंने क्या करा कि जैसे एम्पलीफायर बूफर नहीं लगाया, तो क्या कहते हैं भैया, कई भैया ने कंप्लेन करी क्योंकि ना ये जगह ऐसी है ना, यहाँ बहुत अच्छा साउंड नहीं बन पाता, तो कहते हैं यार जो टॉप मॉडल में साउंड आती है वो तो फिर भी इनसे सही आती है, ये फर्क आता है, तो मैंने दोनों ऑप्शन रख लिया, मेरे पास ओरिजिनल स्पीकर भी इसका मिल जाएगा, और आफ्टर मार्केट जो हम पाइनियर सोनी JBL इन्फिनिटी GL ऑडियो मॉरल जो भी लगाते हैं वो सारे अवेलेबल तो है। बहुत बढ़िया, तो भाई ये भी आपको OEM वाला पूरा मिल जाएगा, मतलब बेस्ट टू टॉप अगर आपने करानी है तो बिल्कुल OEM चीज ले जाओ ना, बहुत बढ़िया। इसके बाद इसकी स्पीकर जाली ये वाली भी आती है, ठीक है, और एक आती है अपनी लाइट वाली भी जाली आती है, लाइट वाली लेनी है लाइट वाली ले लो, अगर सारी कंप्लीट लेते हो ऊपर की चार और आगे की दो लेते हो तो वो पड़ती है 6,500 से 7,000 की रेंज में, ठीक है, और खाली अगर आगे लेते हो तो वो 3,500-3,000 की रेंज में पड़ती है, ठीक है, तो भाई दोनों ऑप्शन। इसके अलावा 4x4 वाले लोगो भी होते हैं भैया, ये 300-350 की रेंज के होते हैं, हम लोग तो 350 मांगते हैं, इस पे देखते हैं 348 MRP है, 10% लेस आता है भैया, ठीक है, तो 350 रुपए में हम इसको लगा के दे देते हैं आप लोगों को। स्पीकर में जो होता है भैया, एक चीज और बताता हूँ, देखो जो मैंने इसका 3200 जो रेंज बताया है, इसमें मैं जाली इंक्लूड देता हूँ, हम जाली के पैसे अलग से नहीं लेते, ठीक है, ये वाली जाली जो है ये इंक्लूड होता है, और इसकी प्राइस देख लो भैया कितनी होती है, ठीक है, 158 रुपीज एक का है, ना? एक सिर्फ एक ये अलग आया पार्ट इसका, हर किसी की पन्नी अलग अलग होती है, छोटे वालों का प्राइस अलग है, छोटे का प्राइस भी देख लो भाई,
सब पे अलग अलग प्राइस लिखा होता है। ये वाला कितना है? 50 रुपीज़। 50 50 के छोटे छोटे वाले हैं, 158 के दो आपको मिल जाएंगे बड़े वाले, और उसके बाद ये बॉक्स सब कुछ मिला करके भी आपको दे रहे हैं 3200 का। और भैया मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आप खाली बॉक्स बोलोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्टॉक आता है, अपनी गाड़ियाँ फिर हो नहीं पाती, कई बार गाड़ी अपनी आती है तो रह जाती है, तो इसलिए हम लोग नहीं देते मना। तो गाड़ी वहाँ पे कराओ जहाँ पे सामान पूरा हो, वरना मत कराओ, है ना। तो बढ़िया चीज़ है। इसके बाद भैया और क्या ये एक बता दो, ये भी स्टेपनी कवर लाइट वाला है, इसमें थार में लाइट जलेगा। एक ये वाला हो गया, एक हमारे ये जो नीचे हमने लगा रखे हैं, ठीक है, अगर सामने से दिखा दो, वो वाला भी चल जाता है, ठीक है, ठीक है। 4x4 जिस पे लिखा हुआ आता है, हाँ, जो बिना लाइट वाला आता है, बिना लाइट वाला 3000 की रेंज का वो आता है भैया, 7-7.5 हजार की रेंज का ये आता है। इसमें व्हाइट कलर की लाइट जलती है, इंडिकेटर भी होता है इसमें? नहीं, व्हाइट इंडिकेटर पीछे भैया वायरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, इसमें खाली व्हाइट लाइट जलता है, व्हाइट लाइट जलती है इसमें। और ये आपका स्टेपनी जो ये OEM के लिए होता है ना भैया सिर्फ, हाँ, ये आफ्टर मार्केट जो अलॉय वाली गाड़ी उसमें नहीं, उसमें नहीं लगता, जितनी कंपनी वाली गाड़ी है भाई उसके अंदर लगता है। और ये लुक जो देता है वो जी वैगन वाला समथिंग, हाँ, कुछ लुक दे देता है ना आपको, बहुत बढ़िया। और ये बढ़िया है, फाइबर का ये ABS प्लास्टिक, ठीक है। इसके अलावा भी हमारी स्पॉइलर लाइट, हाँ, स्पॉइलर लाइट भी धीरे धीरे इसके रेट अब कम होते जा रहे हैं भैया, पहले 5500-6000 था, फिर 5000 हुआ भैया, अभी इस टाइम पे अच्छी क्वालिटी 4500, बेसिक क्वालिटी 4000। इसमें भी कोई दूसरी वाली स्पॉइलर लाइट भी जुड़ी हुई कुछ ऐसा है? उसमें ना होल होता है, अच्छा, हाँ, जुड़ी वाली वायरिंग वायरिंग जो पूरी कंप्लीट है ना, हाँ, वो ना होल होने के चक्कर में हम लोग नहीं लगाते हैं गाड़ी में। ओके, एक भाई पूछ रहा था, लगाया था, हाँ, बट उसमें ना होल होता है भैया, वो वायरिंग के लिए भी होल करना पड़ता है, ठीक है, और उसको नीचे से टाइट करने, अगर चिपका देंगे तो कामयाब नहीं हो पाएगा। अपने पास ना एक्चुअल में कमेंट भी रिसीव हुआ था इसका कि वो जो पूरी वाली आ रही है, एक बार आप उसका बता दो। नहीं, जो उसमें जो है ना भैया होल जिसमें होता है वो मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, तो मैं इसलिए नहीं लगाता हूँ भैया। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है। उसका प्राइस वगैरह कुछ है भैया? चाहिए तो ले लो भैया, प्राइस वगैरह 5500 की, 5500 आप लोगों का जिसका क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा। और साथ में अपने पास है फ्रंट भैया जी वैगन वाली लाइट हो गई, ठीक है, जी वैगन लाइट में स्पॉइलर लाइट बोलते हैं, फ्रंट स्पॉइलर लाइट, फ्रंट जी वैगन लाइट बोलते, स्पॉइलर लाइट तो नहीं बोलते, स्पॉइलर लाइट पीछे होती है, हाँ जी भैया, हाँ। फ्रंट जी वैगन लाइट होगी, डिफेंडर वाली लाइट होगी, डिफेंडर वाली लाइट जो है फ्लैश के साथ आती है भैया, 11500 की रेंज का डिफेंडर वाली होगी, और ये जी वैगन वाली लाइट अगर लेते हो इसके अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है, अगर ये अवेलेबल है तो बेसिक मतलब हमेशा अवेलेबल है तो 10500 इसका रेट होता है, कई बार शॉर्टेज होगा तो भैया 500 ऊपर नीचे हो सकता है। इसके फीचर में कुछ फीचर भैया, इस पे इंडिकेटर मैट्रिक्स आ गया है, मैट्रिक्स में उल्टा चलता है, जो इसमें लगा हुआ हो अगर आप लगवा रहे हो तो उसको DRL को पलटवा लेना तो फिर इंडिकेटर सीधा हो जाएगा। हमारे पास कुछ गाड़ियां चलती हुई देखी हम लोगों ने, उल्टा चलते हुए जो आई है वो नहीं सही होता भैया, उसको चेंज करवा लो, सेटिंग है, हो जाएगी चेंज, कोई दिक्कत। और जिसको नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन जिसको आती है तो माही कार एक्सेसरीज आप आ जाओ, ठीक है। उसके बाद भी ये भी अपनी स्टाइलिन की है, वो भी स्टाइलिन की है? नहीं, ये अलग आती है, खाली बॉक्स में आती है, इंपोर्टेड है, ये स्टाइलिन वाले भैया ने इसको इंपोर्ट कर रखा है। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिफेंडर वाले की, इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं भैया? भैया इसमें ना फ्लैश आता है, खाली इसके साथ रिमोट आता है, इसमें गोल सा रिमोट आता है, हाँ जी, ठीक है, उसमें फ्लैश आता है, तो स्टिल जलेगी या फ्लैश करेगी या बंद हो जाएगी? इसके अलावा अगर ये दोनों नहीं लगानी तो आप UFO लगा लो, UFO लगा लो, तीन क्वालिटी भैया, 1, 2, 3, ठीक है। अच्छा, वो एक नॉर्मल वाली है ना, प्रोमेन टाइप में हमारे पास एक प्रोमेन है और एक प्रोमेन टाइप है, तो दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो आप। इसके अलावा भैया कुछ और क्या दिखाना है बताओ? कंप्लीट है ना सब कुछ, कुछ रहा तो नहीं है ना? एम्बिएंट लाइट पहले हमने एक दो गाड़ी में अलॉय दिखा दिया था, तो अलॉय के लिए तो भैया लोग खुद ही बात कर लेते हैं। एम्बिएंट लाइट वगैरह भैया? एम्बिएंट लाइटिंग भैया देखो, अगर नॉर्मल 6 पीस 10 पीस लेते हो 4500 की रेंज का आता है, थार प्रॉपर लेते हो, उसमें 3-4 ब्रांड है, अगर जाओगे कार्डी वगैरह पे तो वो पड़ेगी 6000-6500 की रेंज में, अगर नॉर्मल ब्रांड पे जाना है तो 5000 की रेंज की पड़ती है भैया। 14 पीस ले लो या 13 पीस ले लो, या एक्स्ट्रा स्ट्रिप बढ़ानी है तो वो ले लो। कार्डी में भैया 16 पीसेज भी आ गई है, 16 पीसेज में जो हम पहले 2 स्ट्रिप एक्स्ट्रा लगाते थे वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये है कि उसमें एक चीज़ की दिक्कत आई है, उसमें जो थार की बैजिंग है ना वो वुडन आई है भैया, तो वो नॉर्मल गाड़ी पर अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, हाँ, वो अभी आएगा, अगला लॉट आएगा तो फिर वो वीडियो में दिखा देंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं इंटीरियर की, हाँ जी, इंटीरियर भैया गाड़ी का इंटीरियर कर देंगे, वो तो हम शुरू से करते ही, कितने रील हमारे वायरल हुई रखे हैं, प्राइसिंग क्या है? 65000 भैया, 65000 में विद साइडर, आर्मरेस्ट, स्टीयरिंग कवर हो गया, गियर बूट हो गया, सारा ओवरऑल पार्ट। इसमें जो है ग्रैब हैंडल आपका अलग होगा, एसी वेंट अलग होगा, एम्बिएंट लाइट अलग होगा, स्पीकर की लाइटिंग अलग होगी, लाइटिंग सेटअप जितना भी होता है या म्यूजिक सिस्टम का जो सेटअप है वो सब अलग होगा, सब अलग होता। बाकी अगर बात करें जैसे स्पीकर पैनल लगा रहता है तो या आप 4x2 में लगवा रहे हो तो इसको ये भी पेंट करते हैं हम लोग, ये सारा साइडर में हम जो कपड़ा लगाते हैं वो भी आपको लगवाते हैं, साइडर लगता है, आर्मरेस्ट का लेदर भी चेंज होता है, अगर आप बोलोगे ऊपर क्वार्टर ग्लास वाला पार्ट भी हमारे को रैप करके दो तो वो भी करके दे देंगे। 65000 के अंदर आपको ये जो चीज है दिखाई हुई हमारी वायरल चीज तो दिखी नहीं, अच्छा, साइड मिरर वाली लाइट है, ये शक्ल भी नहीं दिखाया हमने,
शैकल तो चलो इतना वो नहीं है शैकल तो, लेकिन ये तो भैया बहुत दिखती है। ये तो बीच में अफीम हो गई थी इतनी कि खत्म भी हो गई थी, और भैया ने डिप करा करा के चेंज कराई थी, अब खत्म नहीं होगी। भैया ने खुद पर्सनली इंपोर्ट कर ली इसको, नहीं बहुत सारा माल मंगा लिया। अच्छा बहुत मंगा लिया, चलो तो अपने पास स्टॉक रहता है। ओके तो भाई चीज तो ये बढ़िया है, बाकी इसमें आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है और डीआरएल। देखो इसकी भी वारंटी नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मैंने कम से कम 10 गाड़ी में खराब जो हुई है कितनों की जो पहले लगा के उनको चेंज करके दे दिया। नहीं चल अच्छा ना भैया का, भैया ने वादा करा था आपको शुरू में ही कि भाई लाइटें कुछ चला के भी दिखाएंगे, तो जितनी भी नई लाइटें आई है वो सारी नई लाइटें हैं वो मैं जला के दिखा रहा हूँ, जो पहले वाली वीडियोस में लगा रखी हमने वो सब तो देखी हुई है लोगों ने, मैं इसको दिखा देता हूँ। तो ये देखो भाई पोर्शे डिजाइन में, देखो ये स्कैनिंग हो गई भैया, ये ब्लू हो गई, क्या बात है। उसके बाद ये 2 सेकंड बाद अपने आप ये व्हाइट हो गई, बहुत प्यारी। एक फीचर ये हो गया इसका, ये इंडिकेटर हो गया भैया, ये देखो भाई इंडिकेटर चेकआउट करो कितना बढ़िया लग रहा है, क्या बात है। एक ही हो गया भैया, थ्रो तो आपने पोर्शे का देखा ही हुआ, वही वाला सेम था इसका भी, ये हाई बीम हो गया भैया, थ्रो चेकआउट कर लो भाई, ऊपर इतना जस्टिस नहीं हो पाएगा कैमरे पे, लेकिन ये है कि ठीक है, ये हाई बीम, ये लो भाई। एक ये डिजाइन हो गया, फिर उसके बाद दिखाते हैं भैया आपको हम ये वाला डिजाइन, ये अपना भाई थार रॉक्स वाला डिजाइन, और इसको ऑन कर रहे हैं, देखना कितना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका। ये भी भैया ब्लू होके व्हाइट होती है, नहीं ये इंडिकेटर इन्होंने यहाँ दे दिया, क्या बात है, ठीक है, ये रनिंग है इंडिकेटर, ठीक है, ये रनिंग इंडिकेटर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका DRL, क्या बात है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगर ये बीच वाली नहीं देते ना तो ज्यादा सही लगती, सेम मैचिंग हो जाती है, सेम मैचिंग हो जाती है, इस पे खाली इंडिकेटर दे देते, लेकिन फ्यूचर में वो तो जब थार रॉक्स आ जाएगी तो तब तो आ ही जाएगी, लेकिन ये है कि अच्छा इंडिकेटर इधर भी है और ये भी है, अच्छी लाइट लग रही है, काफी बढ़िया है ये इंडिकेटर रनिंग हो गया, क्या बात है। तो ये भी अपनी एक हेडलाइट हो गई। इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ ये वाली देख लेते हैं, इसके साथ आपको एक स्पॉटलाइट का ऑप्शन मिल जाता है सेम इसी की तरह दिखने वाला, तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। ये भाई वो है फॉर्म, ये देखो कितना तेज DRL है, ये इंडिकेटर हो गया, ठीक है, ये देखो भाई ये हाई बीम हो गया इसका, ये सेम किंग कॉन्ग वाली कंपनी का माल है, ओके ये हो गया अपना। उसके बाद अगर बात करें, ये भी लोगों ने देखी है बट कोई नहीं दिखाए थे, इसमें अलग फीचर है ना, अच्छा फीचर, हाँ इसका ब्लू वाला ना, हाँ ठीक है, ये लो भाई ये इंडिकेटर हो गया भैया, ठीक है, ये वाइट और ये ब्लू हो गई, ये वाइट हो गई, ये वाइट हो गई, क्या बात है। तो इसके अंदर भी आपको एक नया फीचर मिल गया भाई 7500 में, ये लो ये वही रेंजर अपना में जो लग के आती है, रेंजर में जो लग के आती है, ये भी अपना ब्लैक विजन भी मिल जाएगा, क्रोम विजन भी, क्रोम विजन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ब्लू होके वाइट होती है, नहीं ये डायरेक्ट वाइट होती है, ठीक है, बट इसकी DRL ब्राइट होती है, मतलब इसकी DRL ऐसी है पास से धीरे दिखेगी, ठीक है, दूर से तेज दिखेगी, ठीक है। तो ये देख रहे हो भाई अभी ऐसी दिख रही है, और सामने से अगर देखोगे तो ये देखो भाई, ठीक है, इसमें इंडिकेटर भी है, इसकी रैंगलर वाले DRL एक तरीके से ना, ठीक है, इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना इंडिकेटर भी, और थ्रो तो भाई देखो कितनी बड़ी हेडलाइट है, थ्रो के तो कोई बात ही नहीं है, और ये भाई अपने इस 12 वोल्ट के सिस्टम पर चल रहा है, देखो थ्रो चेकआउट कर लो भैया, तेज है इसका, काफ़ी तेज है, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की तरह होता है, ये देखो भाई अगर आपने इसको उठाया, ये देखो ये, अब ये देखो, ठीक है, ये लो बीम हो गया इसका, ठीक है, तो इसमें हाई बीम देंगे तो इसका शटर अप हो जाता है, ये इसका हाई बीम, ओके, गाड़ी जितनी दूर खड़ी होगी उतनी दूर तक बड़ा शटर इसका काम करेगा और बढ़िया थ्रो देगा आपको। तो ये हमने आपको दिखाई 1, 2, 3, 4, 5 हेडलाइट्स हमने आपको चला के दिखा दिया ना। तो मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को आज फिर से वो सारी एसेसरीज दिखा दी है विद प्राइस के साथ, है ना, कुछ बचा हो तो कमेंट कर लेना, या साइड में नंबर आ रहा भैया का उनको कॉल करना, बहुत लोगों का मैसेज आता है या कमेंट आता है कि भाई आप भैया ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे रहे, व्हाट्सएप किया हुआ है इतने टाइम से किया हुआ है, कर लो भैया आप कॉल कर लो, हाँ। नीचे चला जाता है रोज व्हाट्सएप, इतने से जो ऊपर रहता है वो हम रिप्लाई कर देते हैं, हाँ। जो अब जैसे 2 दिन बाद व्हाट्सएप देखा फिर उस पर रिप्लाई क्या करें, इंटरेस्टेड जो इतने भी भाई है ना हमारे जो बिल्कुल इंटरेस्टेड है कि भाई मुझे तो ये सारी चीज लगवानी है, वो एक कॉल करो और बिना झिझक के आप भैया के पास, हम तो काम करने के लिए बैठे हैं ना, हम रिप्लाई क्यों नहीं देंगे, सही बात है, अगर नहीं देंगे तो फिर काम नहीं आएगा, सही बात है। तो आप डायरेक्ट कॉल कर लो भैया को, व्हाट्सएप पे बहुत कम आपको रिप्लाई मिलेगा क्योंकि वहाँ इतने सारे मैसेज आए हुए होते हैं कि भैया के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो, क्योंकि आप लोगों को देखना भी है और ये सारी चीज़ें अरेंज भी करनी होती है, और भाई मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं भैया समझा नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन ये है कि आप डायरेक्टली कॉल करो इन सभी चीज़ों को लगवाने के लिए, इस पूरे महिंद्रा के परिवार को लगवाने के लिए। भैया थार रॉक्स कब
दिखाने वाले हैं हम थारॉक्स के। आने तो भी गाड़ी आने तो सारी तैयारी में लगे हुए, सारी तैयारी है ना। और थारॉक्स देखो अभी आने की तैयारी में, इतने में तो हमने हेडलाइट भी सिमिलर मंगा लिया आप लोगों के लिए। बहुत करेंगे भैया उसमें, है ना, बढ़िया हो जाएगा उसके अंदर, है ना, बढ़िया हो जाएगा। अभी फिलहाल जब तक ये वाली गाड़ी है ये तो होती ही रहेगी, इसके अलावा थारॉक्स की पूरी तैयारी है। जिस भी भाई की पहली गाड़ी डिलीवर होती है थारॉक्स, अगर किसी की डिलीवर हो रही है जब भी, अक्टूबर में होती है, नवंबर में, जब भी डिलीवर होती है, आँख बंद करके आप भैया को कॉल मिला लेना और जब भी प्राइस देख लेना, पहली बार में ही प्राइस जो मिलेगा वो सबसे बेस्ट मिलेगा जी, है ना। तो फिलहाल के लिए भाई करते हैं ये वाली वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितने थार लेवल भाई है ना वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो कुछ नई नई चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता भी रहता हूँ और कुछ कुछ लाने वाला भी हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल, और भैया को भी कहीं ना कहीं फॉलो कर ही लेना, नंबर कॉल वॉल मिला के ना, अच्छे प्राइस आपको देते हैं भैया के लिए। थोड़ा सा कमेंट में प्यार भर देना और थोड़ा सा मिल लिया अगर हो सके कुछ तो वो भी कर देना, है ना। करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट। छोरी तो गोरी रंग मेरा काड़ा, मम्मी कसम मैं दिल तनी माड़ा, अपनी जोड़ी पे तंज कसे जो जुबा पे डार दू उनके ताड़ा, हाथ पे टैटू है गाड़ा, नाम का तेरे जप तपहाड़ा, फिक्र का जिक्र न करियो लाडो, साथ में अपने डमरू फाड़ा।